हरी भरी वन भूमि में मानवीय बस्तियां बसाकर इंसान ने जानवरों के ठिकाने छीन लिए हैं, तो वहीं तुर्रा यहाँ की इंसान जंगली जानवरों को ही दोष देता दिखता है। इसी के चलते चुवाड़ी में अब तक दर्जनों बंदरों को जहर देकर मारा गया है, जबकि साथ लगती पंचायतों में भी ये क्रम शुरू हो चुका है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान हनुमान और बाली की इस सेना पर इंसानी हमले से कुछ लोग खासे आहत हैं। देवभूमि में बंदरों का उत्पात कोई नई बात नहीं है। साल 2016 में पशु कार्यकर्ताओं और पशु प्रेमियों के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर के रूप में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार की मांग पर बंदरों को हिंसक घोषित कर इनको मारने पर रोक हटा दी थी। बाद में इसे और एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। राज्य के 10 जिलों के 38 तहसीलों में बर्मिन घोषित होने के बाद भी बहुत कम संख्या में बंदरों को मारा गया। देवभूमि नाम को सार्थक करते हुए लोगों ने प्रोत्साहन राशि के बावजूद बंदरों को मारने में कतई रुचि नहीं दिखाई। वहीं अब समेत सीमा गुजर जाने के बाद चंबा जिले के चुवाड़ी क्षेत्र में धड़ल्ले से बंदरों को मारा जा रहा है। क्षेत्र की कई पंचायतों के लोग अब इसकी जानकारी मिलने के बाद दवाई लेने चुवाड़ी पहुंच रहे हैं। मरे पड़े बंदरों को आवारा कुत्ते और कौवे भी नोच रहे हैं। इससे कुछ कौवे भी मरे हैं, लिहाजा इससे कोई बीमारी फैलने के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ लोग इससे कलयुग का आगमन तो कुछ लोग इसे महामारी फैलने का खतरा जता रहे हैं। उधर इस संदर्भ में जब आरओ चुवाड़ी विपिन महाजन से बात की गई तो उन्होंने इसे अपराध बताते हुए कहा कि बंदरों को मारने और जहर बेचने वालों के खिलाफ जांच पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा बन्ने भूमि को कब्जाने वाले इंसान अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर बंदरों को मारने पर उतारू हैं। चुवाड़ी से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट।